दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi Note 7 Pro और YouTube में शायद मैं पहली बार हूँ जो कि Redmi Note 7 Pro का 6GB 128GB वेरिएंट अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और मैं बहुत दिन से कह रहा था कि एक धमाकेदार गिवावे आ रहा है और वो है इसका गिवावे Redmi Note 7 Pro का 6GB 128GB। मुझे पता है 64GB अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे 6GB 128GB गिवावे करना था और इसीलिए मैं इसको खरीदा हूँ, वो फ़ोन मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया हूँ। ऐसे भी मेरा गले में दर्द है इसीलिए कुछ दिन मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था और अभी सेटअप में भी नहीं हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो की बीच बीच में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस Redmi Note 7 Pro को जीत सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है Redmi Note 7 Pro का बॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडियंट कलर का है, 48 मेगापिक्सल कैमरा नीचे लिखा हुआ है और बैक साइड की तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ी हाईलाइटेड चीज़ है 6GB 128GB वेरिएंट, जो मुझे लगता है अभी तक कोई भी यूट्यूबर अनबॉक्सिंग नहीं किया है। मेरे पास है नेपचून ब्लू कलर, मुझे बहुत पसंद आता है एक कलर। और यहाँ पे और जो फीचर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो 48+5 मेगापिक्सल, इसका सबसे बड़ा हाईलाइटेड चीज़ है 48 मेगापिक्सल। स्नैपड्रैगन 675 है, 6.3 इंच का नॉच वाला डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच और 4000mAh की बैटरी है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स, उसके बाद फोन निकलते हैं। पहले देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यूज़र मैनुअल गाइड है और उसके साथ है जो बैक केस, और मुझे बैक केस बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं Redmi Y2 यूज़ कर चुका हूँ, इसका बैक केस मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फ़ोन की तरफ चलते हैं और दोस्तों इसका जो फ़ोन का जो ग्रेडियंट डिज़ाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मुझे नहीं लगता 14,000 रुपीज़ में इससे बेटर डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन कोई भी होगा, जो भी हो मुझे बहुत पसंद है। और इस साइड में है रैप, तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। उसके अंदर एक निकलता है पेपर, उसके बाद ये आता है बॉक्स चार्जर। दोस्तों इसका जो आउटपुट है आप यहाँ पे देख सकते हो 5V 2A फोकस कर ले, फोकस अभी तक नहीं किया, आप लोग देख सकते हो 5V 2A वाला इसका आउटपुट है। तो फास्ट चार्जर नहीं दिया है, अगर दे देता तो काफ़ी अच्छी बात रहता, लेकिन इस प्राइस में ये जो दे रहा है ना काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है USB Type-C है जो कि मुझे बहुत पसंद है और अभी 2019 का ज़माना आ चुका है USB Type-C का। तो चलिए फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, मैंने जैसे कि बोला इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, तो चलिए पहले रैप को हटाते हैं और ये रैप हटाने का मजा कुछ और है। तो आप आवाज़ सुनिए और फ़ोन को बूट करते हैं। फ़ोन बूट करने से पहले इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ Redmi by Xiaomi। यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है, लाइट आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, और नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे USB Type-C है और दोनों साइड की तरफ एक साइड की तरफ स्पीकर है एंड एक साइड की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन है। और इनमें से कौन सा स्पीकर है अभी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। लेफ्ट साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है सिम ट्रे, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे बैक साइड की तरफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे ड्यूअल सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप वाटर ड्रॉप नॉच देख सकते हो। बैक साइड की तरफ मैंने जैसे कि बोला फिंगरप्रिंट सेंसर है, ड्यूअल कैमरा सेटअप है, इनमें से एक है 48 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल। तो चलिए फ़ोन को बूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं फ़ोन के अंदर क्या क्या है। दोस्तों फ़ोन हो चुका है बूट एंड मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी लगा लिया हूँ एंड फेस अनलॉक भी लगा लिया हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद अबाउट फ़ोन में चलने हैं, उसके बाद आप ये भी देख सकते हो Redmi Note 7 Pro लिखा हुआ है, जो एंड्रॉयड वर्सन है वह है गाइस पाई। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रैम है 6GB, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं यूट्यूब में शायद पहली बार जो कि 6GB रैम का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ कैमरा सैंपल दिखाता हूँ आप यहाँ पे एक बात समझ में रखना कि ये सिर्फ थोड़ा फास्ट इम्प्रेशन है, उसके बाद कैमरा डिटेल रिव्यू जल्दी आ रहा है। तो चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा फास्ट है देख लेते हैं। तो टैप किया ओपन हो गया, बहुत ही फास्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं टैप किया ओपन हो गया, मैंने रिमूव ही नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टैप किया ओपन हो गया। और थोड़ा फेस अनलॉक मैं भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ
तो थोड़ा होम स्क्रीन फ्रंट में आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो रियलमी में ये नहीं होता, डायरेक्ट को ओपन हो जाता, तो आप ये भी देख सकते हो थोड़ा स्लो हो रहा है, जैसे कि रेडमी का हर फोन में देखने को मिलता है। दोस्तों ये था रेडमी नोट 7 प्रो का अनबॉक्सिंग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गिव अवे का जो कंडीशन है वो है गाइस, जो पहला कंडीशन लाइक शेयर एंड कमेंट मस्ट करना पड़ेगा, कमेंट में एक कमेंट करना पड़ेगा, दूसरा कमेंट करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके साथ सब्सक्राइब मस्ट है, और उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे डीएम करना पड़ेगा कि ये फोन आपको क्यों चाहिए। तो जाओ जल्दी इंस्टाग्राम में फॉलो करो, डीएम करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग जितना शेयर करोगे उतना आप लोगों का ये रेडमी नोट 7 प्रो जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। फाइनल कंडीशन है वो है गाइस, इस वीडियो में 1000 लाइक पूरा करना होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो Redmi Note 7 Pro का सवाल है 6GB 128GB 17000 रुपीस में मिलता है, तो 1000 लाइक तो बनता है, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। जब तक 1000 लाइक पूरे नहीं होगा तब तक इसका गिवअवे मैं अनाउंस नहीं करूंगा, जल्दी जाओ पूरे कर दो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।